मात्र 1500 रुपए के लिए, और ये पटना जिला मतलब पटना महानगर का मामला, खुसरोपुर पटना से बाहर नहीं है हमारा, और पटना में मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे अगर ऐसे हादसे होने लगे और उसमें त्वरित कार्रवाई नहीं की जाए, आज तीसरा दिन होने जा रहा है, इस 23 तारीख के रात की घटना है, 24 25 आज 26 हो रहे हैं और 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील करना चाहूंगी कि एक लॉ एंड ऑर्डर आप अलग से ऐसा बनाइए महिलाओं के लिए, जिस थाना अंतर्गत इस तरह का मामला हो, रेप हो, हत्या हो, इस तरह की घिनौनी हरकत हो, 24 घंटे के अंदर, अगर 48 घंटे के अंदर ले लीजिए आप, अगर अरेस्टिंग नहीं होती है तो उस थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए, देखिए सिस्टम कैसे सुधरता है। हमें बिहार में बुलडोजर बाबा चाहिए, हमें उतना बड़ा उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो सबसे ज्यादा क्राइम का राज्य था, आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्राइम कहां गया है, तो क्यों नहीं हमारा बिहार सुधर सकता, हम इतने कमजोर हैं। देखिए देखना क्या था तमाशाबीन लोग, आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे सारे पार्टी पॉलिटिक्स करने पहुँच गए, ऑल नोस कि हमें अपने मतलब एक आशा को न्याय दिलाने के लिए न्याय के मुद्दे पे किसी को बात नहीं करनी है। हादसा हुआ है वहाँ पे, ऐसी स्थिति है कि कोई डर के मारे दबंगों का घर नहीं बता रहे, फिर भी हम ढूंढते ढूंढते घर पे पहुँच गए, वहाँ घर वालों को वो किया जितना डांटना था, महिलाओं को क्या डांटेगा इंसान। प्रमोद कुमार सिंह और उनके बेटे का दोष है, पूरे गांव वाले माने कि मार हुई है और उसका वस्त्र उतारा गया है। अब रही बात मुंह पे पेशाब करने की, तो वो जो महिला कह रही है उसे ही लोग जान रहे हैं, चोटें तो दिख रही हैं तो उसमें कह रहा है कि मुंह पे पेशाब नहीं किया गया। अरे किया गया या नहीं किया गया, तुमको तो मारने का भी अधिकार नहीं था, तुम किस अधिकार से मात्र 1500 रुपए के लिए, और ये पटना जिला मतलब पटना महानगर का मामला, खुसरोपुर पटना से बाहर नहीं है हमारा, और पटना में मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे अगर ऐसे हादसे होने लगे और उसमें त्वरित कार्रवाई नहीं की जाए, आज तीसरा दिन होने जा रहा है, इस 23 तारीख के रात की घटना है, 24 25 आज 26 हो रहे हैं और 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, आपको नहीं लगता प्रशासन फेल है, आपको नहीं लगता लॉ एंड ऑर्डर फेल है, तो हमें शिकायत है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से जो कठपुतली बने बैठे रहते हैं हमारे राजनीतिक लोगों के। मैम आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में सुशासन की सरकार होते हुए भी कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन है, नीतीश जी की बात सुनने के लिए रहते हैं लेकिन नीतीश जी इस पे कोई फैसला नहीं देते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिये नीतीश जी जब वहाँ मोदी जी 33% का ऐलान करते हैं तो नीतीश जी बोलते हैं ये मेरा आइडिया था, वो 33% की बात करें या महिला सशक्तिकरण की बात करें, लेकिन हम तब उन्हें अच्छा नेता मानेंगे जब वो प्रखर रूप से, एक बाइट अभी उनका आना चाहिए था, एक ट्वीट आना चाहिए था कि खुसरोपुर में हुई घटना की डीजीपी बिहार त्वरित अरेस्टिंग कराएं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट होना चाहिए था, अभी का तेजस्वी जी का ट्वीट होना चाहिए था। अरे कुछ ना तो आपको तो ट्वीट ही करवाना है ना, गृह मंत्रालय तो भी नीतीश जी के हाथ में है तो उन्होंने कुछ ट्वीट नहीं किया, इससे क्या लगता है आपको बिहार में 2025 में क्या हाल होगा? अगर देखिए 25 का हाल जो हो, लेकिन हम केंद्र सरकार से जरूर डिमांड करेंगे जो 33% आरक्षण की बात किए हैं, बिहार में अगर 33% 24 में आ जाए और 25 में महिलाएं प्रखर होके आए तो डेफिनेटली बिहार में एक जलवा होगा, महिलाओं को बदलेगा, जरूर बदलेगा, आना चाहिए महिलाओं को, और महिलाओं में भी वैसी महिलाओं को आना चाहिए जो कठपुतली ना बने राजनीतिक लोगों के हाथ की, रिमोट कंट्रोल नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए सरकार। क्या लगता है मैम बिहार में महिला सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो आज ये नहीं होता। आप ये सोचिए कि उसी गांव में जब हम लोग गए, उनके चाचा तथा कथित चाचा, उन्होंने क्या बोला, महिला की गलती थी, एक तरफ महिला इतनी घायल है ये उनको नहीं दिख रहा है, उनके जो लड़के प्रमोद के चाचा उन्होंने बोल दिया कि महिला की गलती थी। भाई 1500 रुपए के लिए आपके भतीजे ने उसको इतना मारा, निर्वस्त्र किया, क्या ये अपमान नहीं था, ये गलत नहीं था? इस पे आप ये बोलेंगे कि ये कैसे सुधरेगा बिहार, किसको आप बोल रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, इतने लोग गए ना, जिसको लोग गए हैं भी अच्छा नहीं मान रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ, ये अब धीरे धीरे ग्राफ नीचे जा रहा है, महिला को आना ही पड़ेगा। क्षेत्र है हमारे रविशंकर जी का, मैं पूछती हूँ, पूरा साल बीत गया अपने क्षेत्र में आते नहीं है, अपने क्षेत्र का दर्द नहीं बांटते, तो क्या हमें ऐसे नेता की जरूरत है?
ऐसे मंत्री की जरूरत है जो अपने क्षेत्र में कभी घूमने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलेगा। आए दिन बिहार में ऐसे ऐसे कारनामे होते रह रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से महिलाओं पर आए दिन मतलब अत्याचार होते हैं, कहीं लूट हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो मैडम ये सुधरेगा कैसे? देखिए महागठबंधन की बात कर लीजिए या महागठबंधन नहीं था तब की बात कर लीजिए, एक स्टोरी ऐसी मुझे इस बिहार की धरती पे दिखा दीजिए कि महिला के साथ कुछ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ हो। उस समय महागठबंधन की सरकार नहीं थी जब आपके बीटा में एक महिला को सरेआम जला दिया गया था, उस समय नहीं था महागठबंधन, उस समय हमारा भाजपा का ही सरकार था। तो ये बताइए कि बड़े बड़े प्रकरण हुए हैं मैडम जो भाजपा की जो रीना जी हाजीपुर में जो लड़की को पूरे गांव में बाल मुड़वाया गया था, एक से एक महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आए दिन मतलब प्रत्येक दिन आपको ऐसा न्यूज सुनने को मिलेगा कि इनके साथ ऐसा हुआ उनके साथ ऐसा हुआ। मैडम ऐसा इसलिए देखिए ऐसा है महागठबंधन की जो सरकार है इसमें हम ये नहीं कह सकते, थोड़ा इन लोगों का मनोबल बढ़ ही जाता है। रीजन ये है कि थोड़ा कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को बात करें तो ये जो सरकार है इसके मेन पावर बॉक्स जो है पावर बॉक्स में हमारे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की कमी है। हाँ लाठी डंटा मुरट्ठा बांधे ने क्या साला हमारे सरकार चल अब जो होते ही देख लेते, ये चीज जो है ना इस सरकार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इस चीज को बंद करना पड़ेगा। क्या बिहार में महिला सुरक्षा कानून विशेष करके बनाना चाहिए? कहाँ गया महिला आयोग आपका पहुंचा क्या? आपने इलेक्शन के पहले आपने महिला आयोग बनाया, आपकी महिला आयोग की मेंबर क्यों नहीं गई? चार कदम की दूरी में थी खुशरूपुर में मामला, और इलेक्शन के पहले महिला आयोग आपका महिला आयोग नहीं पहुंचा, उसके बाद जा रहे हैं तो सोशल वर्कर जा रहे हैं नेतागिरी करने जा रहे हैं, और कोई व्यक्ति गया हो उस महिला के हाथ में 500 रुपए भी पकड़ाया हो, अरे हम तो जाते हैं अपनी सक्षमता से कुछ दे के भी आते हैं किसी को मदद, आपने क्या किया ये बताइए ना। बिहार की महिला आयोग है क्या निष्क्रिय कार्यकर्ता? बिल्कुल था ही नहीं भैया, इलेक्शन को दिखाने के लिए भी निष्क्रिय है। आप महिला विकास मंच की बात करें, आप कह रहे हैं सरकार फेल है, तो आपकी नजर में आने वाले कौन से ऐसे सरकार? भैया कोई भी सरकार हो महिलाओं के लिए सारी सरकार फेल ही होती है, सिस्टम बिहार है। कौन से सरकार होंगे जो कि बदल सके महिलाओं को सम्मान दिला सके? जब तक महिला सशक्तिकरण की बात हो महिलाओं को अग्रसर होके आना पड़ेगा, और वैसी महिलाओं को सामना आना पड़ेगा जो रिमोट कंट्रोल से ना करें, जो कंप्रोमाइजिंग मोड पे ना जाए सरकार में, अपनी सशक्तिकरण दिखाएं। लाइक स्मृति ईरानी वो मुद्दे की बात करती है, वो बातें होती है, सुषमा स्वराज की बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए आप, उनके वैसी वैसी महिलाओं कौन क्या है क्या आपके बिहार में कोई ऐसी नेत्री? हमें तो नजर नहीं आती महिला को आना ही पड़ेगा। सरकार कहती है कि महिलाओं की ज्यादा सुनती है। अरे भाई सबसे पहले तो ये नेता लोग खुद महिलाओं को कुचलना बंद कर दे, लेकिन हर जगह जो है महिलाएं प्रताड़ित होती जा रही है, शोषण होता है महिलाओं का, शोषण हर तबके में होता है, हर तरह के, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो किसी भी तरह की हो, शोषित ही होती आई हैं। जब तक फ्रंट पे नहीं आएंगी महिला नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस महिला विकास मंच का कहता है, हम जितना केस करते हैं दावे से बोलते हैं देखते हैं उतना केसेस शायद हम लोग बहुत कम केसेस आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो लोग मना करती हैं कि फ्रंट पे मत लाइए, अदरवाइज रोज शोषित होती हैं ये। तब तक जब फ्रंट पे आ जाएंगी महिला देखिए कि कैसे हो, क्योंकि उनको दर्द पता है, ये किसी को नहीं पता। आरजेडी के प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसे बीजेपी का स्टेटमेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, तो कहां बेटी बच रही है? सुन लीजिए पहले, मैं सुन लीजिए। तो एक आरजेडी के प्रवक्ता ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ये जो बीजेपी का नारा है ये गलत है, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। तो ये एक आरजेडी के प्रवक्ता अगर ऐसा बोलते हैं तो बताइए बिहार में जिसकी सरकार है तो बताइए ये कहां जाएगा? नहीं कहाँ जाएगा नहीं, बहुत अफसोस लगता है कि जो बेटी, वो बेटी नहीं ना है किसी की, तो वो किसी के से जन्म ली है ना, वो बेटी जो है किसी माँ से जन्म ली है, वो बेटी बहन किसी की भाभी किसी की चाची कोई भी हो, अगर वो महिला कहाँ सुरक्षित है आप बताइए ना, कहाँ सुरक्षित है? हर एक घर के पीछे दो महिला प्रताड़ित हो रही है, जो मीडिया में आ जाते हैं उनको लोग जान जाते हैं, जो नहीं आते हैं उनको लोग नहीं जानते हैं। बाकी हमारी सरकार अब तो हम लोग सुनते सुनते एक
वक्त गुजर गया कि कब हमारी महिला सुरक्षित होगी, कहाँ हो रही है। चाहे बीजेपी का सरकार रहे या आरजेडी का रहे या गठबंधन का रहे या कांग्रेस का रहे, महिला हमेशा प्रताड़ित होगी और होती रहेगी। उसके लिए कोई तो कानून बनाना, मैं बता रही हूँ, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील करना चाहूंगी कि एक लॉ एंड ऑर्डर आप अलग से ऐसा बनाइए महिलाओं के लिए, जिस थाना अंतर्गत इस तरह का मामला हो, रेप हो, हत्या हो, इस तरह की घिनौनी हरकत हो, 24 घंटे के अंदर, अगर 48 घंटे के अंदर ले लीजिए आप, अगर अरेस्टिंग नहीं होती है तो उस थाना प्रभारी को निलंबित किया जाए। देखिए सिस्टम कैसे सुधरता है, देखिए कैसे सुधरता है। अरे सिस्टम चलाना है तो थोड़ा सा सिस्टम को चलाने का पावर भी चाहिए आपके हाथ में। आप प्लानिंग नहीं करते हैं, आप सिस्टम के कुछ सिस्टम को डेवलपमेंट करने की बात नहीं करते हैं। अभी यहां से घोषणा करें मुख्यमंत्री जी कि खुसरूपुर का थाना प्रभारी 24 घंटे के अंदर अरेस्ट निलंबित होगा अगर अरेस्टिंग नहीं हुई तो। देखिए कैसे अरेस्टिंग होती है। तो ये सब तो नहीं करना है, बस सबको अपनी कुर्सी बचानी है, सबको अपनी नेतागिरी करनी है। महिला की राजनीति दारू कभी दारू बंद कर दो, ये कर दो, ना महिला सुरक्षित है ना बेटी सुरक्षित है, ये बस समझ लीजिए कि बस ये कुर्सी की खेल है। आखिर ये कब तक चलेगा? जब तक चल रहा है, चल ही रहा है ना, तो अंकुश लगाना है। हमें बिहार में बुलडोजर बाबा चाहिए, हमें उतना बड़ा उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो सबसे ज्यादा क्राइम का राज्य था, आज देखिए उत्तर प्रदेश में का क्राइम कहां गया है, तो क्यों नहीं हमारा बिहार सुधर सकता है? हम इतने कमजोर हैं, हमारे ऊपर क्रिमिनल्स हावी हो जाएंगे? ये हमारा बिहार है, क्रिमिनल उठ आके पैंट पे सर के ऊपर सुसु करके चले जाएंगे मुंह में। वो नीति, वो महिला के मुंह में सुसु नहीं किया, वो डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह में सुसु किया है। ये इतने हम लोग कमजोर हो गए कि क्रिमिनल एक सड़क छाप व्यक्ति हमारे साथ इतना शोषण करे और हम लोग असहाय होके बैठे रहे, इतने बड़े नेता बैठे रहे, इतने बड़े राजनेता बैठे रहे। हमें योगी के जैसे, हम पार्टी पे बात नहीं कर रहे, व्यक्ति विशेष वैसा चाहिए जो एकदम पावरफुल तरीके से आए और सरकार में राजनीति। आज देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, चिराग जब दहाड़ता है ना मुद्दे की बात करता है, तेजस्वी जी के मुंह से वैसी बातें क्यों नहीं निकलती महिलाओं के लिए? आज अगर वहां पे बेगूसराय में उस बच्ची को घर के अंदर गाड़ दिया गया तो क्यों नहीं एक तेजस्वी जी गए उस बच्ची से मिलने? अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? यार बगल में था, चले जाते, लोगों को सहानुभूति मिलती है, लोगों को एक हिम्मत मिलती है। आपके लोग, आपका सत्ता, आपके वोटर्स और आप ही नहीं ध्यान दीजिएगा तो कहां जाएंगे ये लोग भाई, कहां जाएंगे? क्या तो चिराग पासवान अगर बनते हैं आने वाले समय में मुख्यमंत्री तो क्या महिला? सुन मेरी बहना, मुख्यमंत्री कोई भी बने उसके अंदर वो गट फीलिंग होनी चाहिए सिस्टम संभालने की, जो कि सिस्टम डैमेज हो रहा है। हम सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, हम नेतागिरी पे तो बात ही नहीं करना भैया, पार्टी पॉलिटिक्स पे। लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग होने की जरूरत है और वो कठपुतली ना रहे। हमारे डीजीपी यहां से, क्या उनके हाथ में पावर नहीं है? वर्दी किस बात की? सरकार पैसा देता है ना उनको? जी हाँ, सरकार नेतागिरी चंदा करके लेते हैं पैसा। उनके पास अभी एक कलम चलाते कि 24 घंटे के अंदर अगर अरेस्टिंग नहीं होगी तो तुम निलंबित होगा। कैसे होता है वहां इतना दबन दी उस प्रमोद सिंह का कि वो अरेस्टिंग नहीं होगा? तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम बहुत खराब हो गया बिहार में, इसको बिल्कुल सुधरने की जरूरत। महिलाओं के नाम पे तो ये लोग कुछ एक्शन ही नहीं ले, इन्हें तो झालमुड़ी बना के रख दिए महिला को, फक्की लगा और फेंक दो। महिला के नाम की कोई बात ही नहीं करता है भैया, महिला की क्या बात करते हो आप लोग?